चलिए आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में या कहे तो पिछले वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ एम इज आर की ओर मैंने आपको क्लास को आगे बढ़ाया था। उसी सीरीज की अगली वीडियो अपलोड की जाएगी आपको, ओके। तो उसी को फिलहाल समझते हैं। तो हमने चर्चा क्या किया था सक्सेसफुल बी का फॉर्म का, जिसमें हमने कहा था बी का फर्स्ट फॉर्म एम आर, सेकेंड वाज वर, थर्ड बीन, फोर्थ बींग और फिफ्थ इज होता है। और जिसमें से मैंने आपको कहा था कि हम लोग एम आर इज को समझेंगे। चलिए तो उसी के समझेंगे। हमने आपको ये बता दिया था कि आर के साथ एम का यूज, यानी कि एम का यूज कब होता है, इज का यूज कब होता है और आर का यूज कब होता है। अब उसी पैटर्न को हम लोग आगे फॉलो करते हैं। तो मैंने एक पैराग्राफ के रूप में कुछ लिखा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कहाँ कहाँ हमें ज़्यादा फोकस डालना है। तो ये आई के साथ एम, सी इज, ही के साथ इज, ये जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ पर हमें अच्छे तरीके से समझना है। थोड़ा ज़्यादा फोकस मेंटेन करना पड़ेगा ताकि हम आने वाले बातों को समझ सकें। चलिए तो इसको मैं सबसे पहले इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ देता हूँ, तो चलिए आप लोग समझिएगा। लिखा गया है कि आई एम पीटर, सी इज मिस सोनाली, सी इज अ टीचर, ही इज माई फादर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ लॉयर, यू आर ए स्ट्रेंजर, यू आर नॉट माई फ्रेंड, वी आर इन द सेम क्लास बट वी आर नॉट ऑन द सेम टीम, दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर नॉट एनिमीज, इट इज अ डंकी, इट इज अ नॉट अ हॉर्स, इट इज वेरी हॉट टूडे, इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। चलिए तो ये हमारा एक पैराग्राफ है जिसे हमें समझना है। तो इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग इसे समझने का ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बातों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इस पैराग्राफ का लाइन है आई एम पीटर। तो इसमें देखिएगा आप लोग कि आई के साथ यहाँ यूज किया गया है एम का। और ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग आई के साथ एम का यूज करते हैं तो हम लोग खुद के लिए बात करते हैं, खुद के लिए। यानी कि जो इस सेंटेंस को बोल रहा है या जो इस पूरे पैराग्राफ को बोलेगा वह शुरुआत में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया है अपने नाम के साथ कि आई एम पीटर, बिल्कुल सही। तो मैं इस पैराग्राफ को अपने बदौलत बोलता हूँ, यानी कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो मैं कह रहा हूँ कि आई एम पीटर। यानी आपको यह समझना है कि मेरा नाम पीटर है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सेंटेंस को बोलने वाला अपने बारे में कुछ बोलता है तो वो आई के साथ एम का यूज करता है। तो आई एम पीटर यानी मैंने अपने बारे में बताया। तो पहला हम सीख गए कि आई के साथ एम का यूज खुद के लिए करते हैं। फिर आगे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि सी इज मिस सोनाली, सी इज अ टीचर। अब वहाँ यहाँ मैं इंट्रोड्यूस क्या कर रहा हूँ कि मेरे सामने, ध्यान रखिएगा और खासकर आपको समझना है कि सी के साथ यहाँ पर इज का यूज हम लोग करते हैं। अब क्यों करते हैं सो देखिए, सी के साथ हम लोग इज का यूज करेंगे और इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि सी का यूज हम लोग फीमेल के लिए करते हैं। किसके लिए? फीमेल के लिए। और इसके साथ हम लोग लगाते क्या हैं? इज लगाते हैं। और फीमेल में आपको बात यह समझना है कि इनका यूज फीमेल में सिंगुलर के लिए किया जाता है। यानी कि जब कोई फीमेल सिंगुलर होती हैं, ओके, यानी सिर्फ आप एक फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग सी का यूज करते हैं और उसके साथ हम लगाते क्या हैं? इज का यूज। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सी इज मिस सोनाली, वह जो हैं वो मिस सोनाली हैं। यानी कि मैं यहाँ मिस सोनाली को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि सी इज मिस सोनाली। और उन्हीं के बारे में मैंने आगे बात बोला है कि सी इज अ टीचर, वो क्या है, मतलब उनका प्रोफेशन क्या है। तो सी इज अ टीचर, वह टीचर है। तो सी के साथ मैंने इज का यूज किया है और फिर मैंने आगे बोला कि सी इज अ टीचर। अब आगे आते हैं, फिर मैंने आगे बात किया है कि ही इज माई फादर, यानी ही के साथ इज का यूज। और आगे देखिएगा तो मैंने उसी बात को आगे बढ़ाया है, मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर। तो यह जो दोनों सेंटेंस आप देख रहे हैं, सी इज मिस सोनाली, सी इज अ टीचर, ये एक दूसरे से रिलेट किया। अब मैं जब मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि ही इज माई फादर, यानी कि मेरे पिताजी वहाँ पर हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ही इज माई फादर।
वो मेरे पिताजी हैं, ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हैं, ही इज नॉट अ लॉयर, वो लॉयर नहीं है, यानी कि वकील नहीं है। तो मैंने यहाँ ध्यान रखिएगा कि पिताजी के लिए मैंने यहाँ तीन सेंटेंस का यूज किया है, ध्यान रखिएगा। पहला सेंटेंस है ही इज माई फादर, नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज अ डॉक्टर, और फिर मैंने कहा कि ही इज नॉट अ लॉयर। तो कहने का मतलब है ही इज माई फादर एंड ही इज अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ लॉयर, वो मेरे पिताजी हैं, वह डॉक्टर हैं, वो वकील नहीं हैं। बात समझ रहे हैं? यानी कि आप गौर कीजिएगा तो मैंने ही के साथ इज का यूज किया है, ही के साथ इज का यूज कर दिया है। और ही के साथ आप जब आप इज का यूज करते हैं तो समझने वाली बात है, ही का यूज हम लोग मेल के लिए करते हैं और मेल में सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो इसके साथ हम लोग यूज करते हैं इज का। तो कहने का मतलब है सी के साथ भी आप इज का यूज करते हैं और ही के साथ भी इज का, लेकिन सी का यूज सिंगुलर फीमेल के लिए करते हैं और ही का यूज सिंगुलर मेल के लिए हम लोग करते हैं। तो यहां मैंने अपने पिताजी के बारे में कहा कि वो डॉक्टर हैं, वो लॉयर नहीं है। तो बात यहां तक रिलेट कर गई। अब आगे आते हैं, आगे मैं कह रहा हूं कि यू आर अ स्ट्रेंजर। अब यहां देखिएगा कि यू के साथ आर का यूज किया गया है। यू आर अ स्ट्रेंजर, यू आर नॉट माई फ्रेंड। बात समझ रहे हैं? तो मेरे सामने कोई एक अजनबी, क्या कहते हैं, अजनबी कोई व्यक्ति है जिनको मैं कह रहा हूं कि यू आर ए स्ट्रेंजर, यू आर नॉट माई फ्रेंड। आप जो है वो स्ट्रेंजर हैं, मतलब कोई अनजान व्यक्ति जिनको मैं जानता नहीं हूं, आप मेरे दोस्त नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा बातें कितनी बोली गई। सबसे पहला बात यहां मैंने अपने बारे में बोला, बात पहला। उसके बाद मैंने दूसरा पैटर्न अपनाया जिसमें मैंने सी का यूज किया। उसके बाद मेरा तीसरा पैटर्न चला जिसमें मैंने ही यानी पिताजी के बारे में इंट्रोड्यूस किया। अब मेरा ये नंबर फोर्थ पैटर्न है जिसमें मैं कह रहा हूं कि यू आर अ सिंगर, यू आर नॉट माय फ्रेंड। तो ये नंबर फोर्थ पैराग्राफ है जिसमें आपको यह समझना है कि यू के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। तो मैंने कहा है कि यू आर ए स्ट्रेंजर, यू आर नॉट माय फ्रेंड। अब आगे आते हैं, फिर आगे एक बात कहा गया कि वी आर इन द सेम क्लास बट वी आर नॉट ऑन द सेम टीम। तो आप यहां समझिएगा कि मैंने यहां वी के साथ आर का यूज किया है, वी के साथ। तो ये आ जाएगा नंबर पांचवा आपका आ जाएगा। तो ये तीन और यहां जो है यू आर ए स्ट्रेंजर, ये नंबर चार की बात थी जो कहां तक रिलेट हुआ, यू आर नॉट माई फ्रेंड तक। अब आगे आते हैं तो मैं कह रहा हूं कि वी आर इन द सेम क्लास बट वी आर नॉट ऑन द सेम टीम। और एक बात ध्यान रखेगा कि जब हम लोग वी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो उस सेंटेंस का स्पीकर है वह उसमें अपने आप को भी इंक्लूड करता है, यानी अपने आप को भी जोड़ लेता है। जैसे यहाँ कहा गया है कि वी आर इन द सेम क्लास, तो कहने का मतलब है और भी हैं जो कि एक ही क्लास के हैं और उसमें मैं भी आता हूँ, तो वी आर इन द सेम क्लास, यानी कि मेरे अलावे और भी हैं जो कि सेम क्लास के हैं। तो यू वी के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं, इस बात को समझिएगा। लेकिन वी का मतलब होता है जब उस सेंटेंस को बोलने वाला है, उस बात को कहने वाला अपने आप को भी उसमें जोड़ लेता है। बात समझे? तो यहाँ पैराग्राफ बना हुआ है वी आर इन द सेम क्लास बट वी आर नॉट ऑन द सेम टीम। कहने का मतलब है मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और उनको उनके बारे में बता रहा हूँ कि वी आर इन द सेम क्लास, हम सब एक ही क्लास में हैं बट We are not on the same team, लेकिन हम लोग एक टीम में नहीं है। यानी कि कोई भी स्पोर्ट का इवेंट है वहाँ पे टीम बनाए गए हैं, तो हो सकता है कि मेरे ही क्लास के दो टीम बने होंगे, तो क्लास तो एक ही है लेकिन टीम दो हो गए। तो हम कह सकते हैं किसी भी या अपने बहुत सारे दोस्तों को कि वी आर इन द सेम टीम बट वी आर इन द सेम क्लास बट वी आर नॉट ऑन द सेम टीम। तो क्लास तो एक ही है लेकिन टीम एक नहीं है, आप मेरा दोस्त कुछ हो दूसरे टीम में होगा। तो वी के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसमें जो है स्पीकर यानी कि सेंटेंस जो बोलने वाला है वह अपने आप को इंक्लूड जरूर करेगा। क्या करेगा? इंक्लूड, यानी कि वह भी अपनी भी बात उस साथ साथ बोल रहा है। तो सेंटेंस आपका हुआ वी आर इन द सेम क्लास बट वी आर नॉट ऑन द सेम टीम, यह हुआ आपका नंबर फाइव। अब आगे आते हैं,
आगे बात यह है कि दे आर गुड फ्रेंड्स। अब किसी और की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर नॉट एनिमीज। ओके, अब यहाँ क्या कर रहा है कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ दे के साथ आर का यूज़ किया गया है, तो दे के साथ आप आर का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप बस इतना समझिएगा कि इसमें स्पीकर जो है नॉट इंक्लूडेड, इन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता है। जब मैं कह रहा हूँ कि दे आर गुड फ्रेंड्स, वे सब अच्छे दोस्त हैं, यानी कि दे में मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं अपनी बात करता तो मैं कहता हूँ वी आर गुड फ्रेंड्स, तो दे आर गुड फ्रेंड्स यानी मैं जो बोल रहा हूँ मैं उसमें नहीं आता हूँ। तो दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर नॉट एनिमीज, तो मैं कह रहा हूँ कि वे लोग अच्छे दोस्त हैं, वे लोग एनिमीज नहीं हैं। तो दे के साथ आर का यूज, लेकिन आपको समझना है कि इसमें स्पीकर इंक्लूड नहीं रहता है। तो दे आर गुड फ्रेंड्स, ये पांच बातें हो चुकी, ये छठी बातें थी। आगे कहा गया कि दे आर नॉट एनिमीज। अब आगे आते हैं, लिखा हुआ है इट इज अ डंकी, इट इज नॉट अ हॉर्स। यानी कि आप जब समझिएगा तो इसमें आपको ध्यान आएगा कि यहां इट के साथ मैंने इज का यूज किया है, इट के साथ इज का यूज किया गया है। अब समझते हैं कि इट का यूज हुआ किस लिए है। इट इज अ डंकी, इट इज अ डंकी, इट इज नॉट अ हॉर्स। जिसे हम कभी अपने घर में छोटे बच्चे या भाई, छोटे भाई बहन को पढ़ाते हैं, तो पिक्चर में कोई फिगर रहता है तो उसके बारे में यदि मैं उसे बताऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, इट इज अ डंकी। यदि वो डंकी का फिगर है, डंकी को हिंदी में खच्चर कहते हैं, तो यदि मैं बताऊं मैं क्या कहूंगा, इट इज अ डंकी, इट इज नॉट अ हॉर्स, इट इज अ डंकी, इट इज नॉट अ हॉर्स। यह डंकी है, हॉर्स नहीं है। तो इट का जो यहाँ यूज किया गया है आपको समझना है, इट का यूज यहाँ एनिमल के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, एनिमल के लिए किया गया है। तो इट के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं और इट का यूज किस लिए किया जाता है, एनिमल के लिए। इट के साथ इज और इट का यूज एनिमल के लिए। नेक्स्ट आते हैं, इट इज वेरी हॉट टूडे। यहाँ भी देखिएगा कि इट के साथ इज, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों बात एक दूसरे से रिलेट करता है, कि यानी कि नंबर 7 है। तो इट इज अ डंकी, इट इज नॉट अ हॉर्स, ये बात नंबर 7 था। अब आगे आते हैं, इट इज वेरी हॉट टूडे, इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। ये दोनों बात एक दूसरे से रिलेट करता है, तो इसको डालिएगा नंबर 8 में। अब इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा यह गया है कि इट इज वेरी हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी है, इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो कहने का मतलब है यहाँ इट जो है वेदर के बारे में बता रहा है कि आज का जो वेदर है ना बहुत गर्म है, आज का वेदर क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये कंफर्टेबल नहीं है। तो इट का यूज यहाँ पर वेदर के लिए किया गया है, किसके लिए किया गया, वेदर के लिए किया गया है। और कहा क्या गया है कि इट इज वेरी हॉट टूडे, इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो आप ये गौर करके देख सकते हैं कि इट के साथ आपको इज लगाना है, और इट का यूज होता किस लिए है, एनिमल के लिए और वेदर के लिए। बात समझ रहे हैं, तो बात हमें इस पैराग्राफ से इतना समझ में आ रहा है कि आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं खुद के लिए बोलने के लिए, सी के साथ इज का यूज करते हैं, और ही के साथ भी इज का यूज करते हैं। लेकिन अंतर यह है कि सी का यूज हम लोग सिंगुलर फीमेल के लिए करते हैं, और ही का यूज हम लोग सिंगुलर मेल के लिए करते हैं, और दोनों के साथ आप इज ही लगाते हैं क्योंकि बात तो सिंगुलर है। यू के साथ हमने आर का यूज किया है, वी के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि वी का यूज आप तभी कीजिएगा जब उसमें स्पीकर इन्हें बोलने वाला भी अपने आप को इंक्लूड करेगा। और दे के साथ आप आर का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्पीकर यानी कि बोलने वाला अपने आप को इंक्लूड नहीं करेगा। इट के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं, इट के और उस इट का यूज होता किस लिए है, तो एनिमल के लिए और वेदर के लिए। और भी इट के यूसेज हैं, लेकिन वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। बात समझे, तो हमने आज एक पैराग्राफ किया है। अब इस पैराग्राफ से होगा क्या, जनरली तो मान सकते हैं कि यह तो सिंपल सी बात हुई, लेकिन इसमें आपको समझना है कि आपने एक पैराग्राफ देखा है
और उस पैराग्राफ को आप देखिए कितना आसानी से लिखा गया है। इसको आप जनरली आप स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं, रिटेन में यूज़ कर सकते हैं। अक्सर कोई भी स्टूडेंट्स जब या एस्पिरेंट्स जब इसको लिखने की कोशिश करता है कि नंबर ऑफ इसमें गलती कर देता है बहुत ज़्यादा, तो माइनर मिस्टेक हमें नहीं करना है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। ओके, तो आप लोग साथ देते रहें, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड, लेसन थर्ड। जब भी आप लोग क्लास देखें सबसे पहले लेसन फर्स्ट की वीडियो समाप्त करें, फिर लेसन सेकंड की और तब लेसन थर्ड की। ओके, चलिए आज की क्लास में इतना ही, और जस्ट अगली क्लास में या अभी मैं आपको अभी इसका प्रैक्टिस करवा देता हूँ कुछ। ओके, तो चलिए मिलते हैं जल्द ही।